हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम ब्लॉग। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन की, जो मुझे मिला है बिल्डरेक्स से। जो ये बिल्डरेक्स की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा और आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 2400 रुपये है, पर आपको ऑनलाइन सिर्फ 750 से 800 रुपये या 900 रुपये तक में मिल जाएगा। ये इसका मैनुअल है जहाँ पे आपको इसका यूज़ करने के बारे में बताया गया है और कितने सारी ड्रिल मशीन आती है उनकी फ़ोटो भी है। साथ में मुझे ड्रिल मशीन की ये जो नॉब होती है टॉप पे लगती है इसके, वो मिली है, एंड ये दो मिली है मुझे। एंड इसमें साथ में रेड कलर की ड्रिल मशीन है, इसके बारे में बाद में देखेंगे और क्या क्या है इसके साथ में, वही देख लेते हैं। सो इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक ये इसकी की मिली है चाबी, जो कि इसकी जो नॉब है उसको टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए है। वायर की क्वालिटी क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वायर की जो क्वालिटी है यहाँ पे टाइट है वायर थोड़ा हल्का सा, एंड क्वालिटी ठीक ठाक है। वायर की जो लेंथ है यहाँ पे लगभग 1 मीटर है। यहाँ पे बिल्डरेक्स का नाम है और ये इसका प्लास्टिक है। ऊपर देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखाई देगा कि 10 mm का ड्रिल है, 2600 RPM पर है और 350 वाट की है, तो ये काफ़ी कम वाट है। लगभग आपको अगर पत्थर में या हैवी ड्यूटी वर्क चाहिए तो आपको कम से कम 1000 से 1500 वाट की ड्रिल मशीन लानी पड़ेगी। ये नॉर्मल वुडन और जो ब्रिक होती है, ईट होती है उसमें, या घरों में जो नॉर्मल दीवार का वर्क है वो है। अभी आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये इसका लॉक है, इसको लॉक कर देंगे तो कंटिन्यू चलती रहेगी, एंड जैसे इसे पुश करेंगे लॉक हट जाएगा। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। ये इसकी की है जो की को लूज़ करने या टाइट करने में किया जाता है। ये देखिए इसकी की को, ये जो इसके टीथ हैं, ये दांत हैं, इसको पास में लाया जाता है जिससे ये इसकी जो नॉब है इतनी सारी उनको फिक्स किया जा सके। तो एक मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ नॉब को जल्दी से, किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी नॉब है मेरे पास में, और अभी जो इसकी जो 3 टीट है या ये जो इसके दांत है इसमें एक फिक्स कर लेंगे नॉब, ठीक है। ये मैंने हल्का सा टाइट करके इसको फिक्स कर लिया है, एंड इसके साथ बाद में हमने ये जो इसकी चाबी है, चाबी से इसको टाइट कर लेंगे पूरी तरीके से। और ये इसको मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। सो अभी इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मेरे पास वुडन लकड़ी है तो उसको बाहर जाके मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लकड़ी जो है मेरे पास है, एक तो पुरानी लकड़ी है और एक ये जो पेड़ की लकड़ी है, एकदम हार्ड जो नीम की लकड़ी होती है, नीम के पेड़ की, वो है यहाँ पे मेरे पास। ये नीम की लकड़ी है, इसमें मैंने पहले भी होल कर चुका हूँ मैं, ये 3 होल है और एक बड़ा होल मैंने और किया है आगे। सो अभी मैं आपके सामने यहाँ इसमें होल करके दिखाऊंगा। ये नीम की लकड़ी काफ़ी टाइट होती है और होल थोड़ा मुश्किल से होता है, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसको। मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, एंड थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि ये गोल लकड़ी है, दाएँ बाएँ फिसल सकती है, इसलिए मैं थोड़ा कम प्रेशर लगाऊंगा इस पर। सो आप ये देखिए, तो ये ऐसा होल हुआ है, ठीक है। तो ये वुडन में है और मैक्सिमम इसमें 10 mm का होल हो सकता है। ये थोड़ी पुरानी लकड़ी है और ये भी अच्छी लकड़ी है, ये साल की लकड़ी है, एंड इसका भी मैं आपको होल कैसे ड्रिल मशीन में वर्क करती है तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं लगा रहा हूँ, अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया तो सीधा ये जो नीचे मार्बल है इसकी जो इसमें होल हो सकता है या फिर इसमें खरोच लग सकती है, इसलिए मैं सावधानी से कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर से आप करोगे तो पूरा होल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। सो अभी हम क्या करते हैं कि जो ये जो बड़ी जो ड्रिल होल है, या जो इसको हम दीवार पे काम लेते हैं, जो नीचे बड़ी है, इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इसके बारे में बता दिया था मैंने। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रिल मशीन है,
किस तरह से इसमें होल किया जा रहा है। सो नॉर्मल हाँ, घर के वर्क के लिए, वुडन वर्क के लिए, लकड़ी के किसी भी कार्य के लिए आप ये ड्रिल मशीन ला सकते हैं। 750 रुपये में आपको ये बहुत ही सही दाम पे आपको मिल जाएगी। इतनी अच्छी मशीन आपको और कहीं नहीं मिलेगी, और ये एक ब्रांडेड मशीन है तो इसकी वारंटी भी आपको रहेगी एंड कोई भी खराबी नहीं होगी। और इसका जो ग्रेफाइट है, इसके अंदर जो लगता है, उसको भी आपको काफ़ी समय बाद चेंज कराना पड़ेगा यूज़ करने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।